ये है मुदलाकोट्टा, पलक्कड़ जिले का एक ऐतिहासिक गांव, जो प्रेमियों की मनपसंद जगह और अपनी खूबसूरती के अलावा पलक्कड़ का ये गांव राजनीति की गर्माहट के लिए भी जाना जाता है। पिछली बार आई बाढ़ की वजह से बचाव का कार्य करने के लिए योग गुरु कुमार जी के साथ चार नौजवान इस गांव में आए थे। तमिलनाडु से अय्यप्पन, उत्तरी भारत से रोशन उर्फ रोशी, रॉबिन और रोकी जो कि मलयाली हैं, ये सभी इस गांव के बाशिंदे बन गए, जो मुदलाकोट्टा बटालियन के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 15 सालों से मैं इस गांव की पंचायत का अपोजिशन लीडर बना हुआ हूँ, समझ गए ना आप? गांव की सारी बंजर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती होती है। जब से हमारे गांव में मुदलाकोट्टा बटालियन बनी है, तब से हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट साहब की परेशानी बढ़ गई। उनके नए महल का काम जोरों से चल रहा था और वो बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। करप्शन खत्म कर दिया, करप्शन को हटाने के लिए ही उसे वापस जाना पड़ा। लो वो आ गए। ये देखो आ गए, आओ इनसे पूछते हैं इन्हें क्या कहना है। अपोजिशन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की मुझे, फिर भी इस गांव को खुशहाल बना रहा हूं, करप्शन से मुक्त कर रहा हूं और इस लड़ाई में नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं, यानी बटालियन से कोई दुश्मनी नहीं है। कृषि अधिकारी मैडम आ गई। नमस्ते। कैमरा उस तरफ है। दूसरे गाँव से आने वाली सब्जियों पर ये लोग निर्भर ना रहे, यही हमारा प्रयास है। इस गांव में और आसपास के गांव में लोगों को पर्याप्त सब्जियां मिल सके, और ये काम हो पाया है इन नौजवानों के संयुक्त प्रयास की वजह से, जो दिन रात लगे हुए हैं। इनके असाधारण नेतृत्व क्षमता की वजह से ही हम ये सब कर पाए। सरकारी योजना के तहत कृषि अयोग्य जमीनों को हासिल कर उन्हें खेती योग्य बनाने की चर्चा करने हेतु अधिकारी गांव में पहुंचे। हमारे लिस्ट की ये सबसे बड़ी जमीन है मैडम। मैडम ये प्रॉपर्टी, ये सारी जमीन लगभग 18.5 एकड़ है, और ये सारी जमीन एडाथला मथाई के नाम पर है। 2 साल पहले हमने खेती करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। इस बार होगा RDO, क्योंकि इस बार हमारी सरकार है। नरक होगा नरक, एडाथला मथाई इस समय शहर गया हुआ है, ऑर्डर रिवाइज करके ही लौटेगा वो। ये सच है मैडम, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये देखिए सर। विल सी, हम खुद जाकर मिस्टर मथाई से मिलेंगे। ओ, सर मथाई जी। अरे मथाई साहब, आइए बैठिए बैठिए। नमस्ते। 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 आजकल आप कहीं दिखाई ही नहीं देते। दिखाई नहीं देते, आंखों में मोतिया बिंदु हुआ है क्या मंत्री जी? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था शशि जी। आपके पास सही है मंत्री जी, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फंड लेके आप तो गायब ही हो गए, उसके बाद तो मैंने आपको देखा ही नहीं। अरे ऐसी बात मत कहिए मथाई जी, इस गांव की खुशहाली की वजह से ही मैं यहाँ पर टिक पाया हूँ। सुनिए, ये 18.5 एकड़ जमीन हाईवे के उत्तर में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ इस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर करने के लिए, और सबने मुझसे घूस ले रखी है ये कह करके कि काम जल्द से जल्द हो जाएगा। अब वो जितने पैसे घूस में दिए हैं उसका पूरा हिसाब साहब ने डायरी में लिखा है। अब चाहे CBI वाले हो या इनकम टैक्स वाले या ED वाले, ये सबसे पहले डायरी उन्हीं लोगों की जब्त करते हैं। अब इस सारी 18.5 एकड़ जमीन में पानी भरा 20 साल से खेती नहीं हुई है। गाँव की भलाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मथाई साहब का ये सपना उन्हें मरने से पहले पूरा करना है। वहाँ पर किसी की टाउनशिप बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब पंचायत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, खेती के लिए जमीन सौंपने को कह रही है। अब मथाई साहब, इसमें पंचायत का कुछ नहीं है, तो सरकार की यह नई पॉलिसी है, अब उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैंने एक बार खेती के लिए जमीन सौंप दी, फिर जिंदगी भर कभी उसकी लेवलिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जमीन की लेवलिंग करना वैसे भी पॉलिसी के खिलाफ होगा। और मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। मथाई साहब, अगर दूसरा कोई काम हो तो बेझिझक कह सकते हैं, अब मुझे असेंबली में जाना है, इजाजत दीजिए। मंत्री जी ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। मैंने कहा था ना यहाँ आना व्यर्थ है। हाँ, चुप रहे। क्या और कोई काम है? हमें विदेश से सोना स्मगल करना है, तुम करके दोगे? ऐसे कह रहा है जैसे कोई जिन हो। चुनाव में फंड देने से पहले ही सोचना चाहिए था, एहसान फरामोश कहीं का।
मंत्री साहब की पार्टी की खासियत यही है कि उन्हें आप जैसे बाहुबलियों का साथ और पैसा दोनों भी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास और पॉलिसी दोनों सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अब बस भी करो तुम शशि, ये बताओ कि आगे करना क्या है। देखिए मुझे तो ये पहले से ही पता था है? एक तरीका है सत्यशीलन। सत्यशीलन मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। जहां तक मैंने सुना है ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान सत्यशील के पास नहीं। सत्यशील आएगा, आपसे मिलेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिस समस्या का हल खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता, उसका हल ये सत्यशील के पास होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के आगे नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, फोड़ना है तो सत्यशील के सर पर फोड़ो, ऐसी कहावत है। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये 18.5 एकड़ जमीन लेवल करके आपको सौंप दूंगा। बस जमीन सपाट करनी है, एक बार वो हो जाए फिर जाली कागजात बनाने वाली हमारी टीम तैयार है ना। अब क्या, जमीन सपाट करने जो आदमी आएगा उसे पूरा 1 साल लगेगा। उसे रहने के लिए घर देना होगा, वो जितना कैश मांगेगा देना होगा, और लीज एग्रीमेंट भी 3 साल के लिए। क्या 3 साल के लिए? पर वो किस लिए? खेती की जमीन की लेबलिंग उसी एग्रीमेंट के बलबूते होगी। किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कागजात एकदम परफेक्ट होने चाहिए। 3 साल का लीज एग्रीमेंट तो मस्ट है। ये सब जरूरी? बिल्कुल, पंचायत का मुंह बंद करने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना होगा, पिछली डेट डालकर बनाना होगा ना। हाँ, एक बार जमीन सपाट हो जाएगी एग्रीमेंट के हिसाब से वो आदमी जमीन वापस कर देगा। आप सिर्फ आदमी आदमी बोल रहे हो, ये आदमी आखिर है कौन? अरे भाई वो अपना अवतार है। आइए आइए, इस गांव के सबसे अमीर आदमी है ये। आप अभी तक मथाई से नहीं मिली क्या? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, 8% ब्याज लेता है। ये है वर्टिकल शशि, मथाई का लीगल एडवाइजर है ये। सिर्फ एडवाइस ही देता है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए अलग वकीलों की फौज है उसके पास। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाइए। आइए ना, आइए आइए, आप बैठिए ना मैडम, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। आइए ना। ये मथाई के पाले हुए गुंडे हैं। मैडम ये मथाई साहब का बड़ा बेटा है बेबी मॉन, और ये है उनका छोटा बेटा बाबू मॉन, और ये है दोनों बेटों की बीवियां, ये है सुषमा और ये है जूली, और ये है मैडम। हाँ। और ये है श्री मथाई। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। अरे आप भी बैठो ना, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। हम आपसे मिलना चाहते थे। यही कहने के लिए कि ना कि मैं अपनी 18.5 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दूं ताकि वहाँ खेती की जा सके, है ना? अरे रे, मुझे इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे गांव की भलाई के लिए है ना। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, 6 महीने पहले वो जमीन मैंने किसी को लीज पर दे दी है। वकील साहब जी। हाँ मैडम, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी, आप डेट चेक कर सकती हैं, आराम से देखिए। हाँ, आपको लगता होगा कि हमने पुरानी डेट डालकर फर्जी एग्रीमेंट बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अरे थूको मत। उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, पर उससे पानी भरी जमीन की क्या जरूरत होगी भला? उससे हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, 15 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैडम अगर हम गाँव की भलाई का कोई भी काम करते हैं तो तभी ये लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये तो जमीन को सपाट करने का एक दाव पेच है मैडम, ये एग्रीमेंट बेनामी हो सकता है। आपको कैसे मालूम? मतलब किसने बताया? मथाई साहब, हमारे राज कोई लीक कर रहा है। क्या? हाँ सच में। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप वहाँ टाउनशिप बनाना चाहते हैं। आपको बता दूं मिस्टर मथाई कि ये नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर मथाई, खेती के अलावा किसी और चीज के लिए जमीन का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। ये बात जिसने जमीन भाड़े से ली उसे बतानी चाहिए ना मैडम। उसे ये जमीन क्यों चाहिए? आई मीन What is his plan? Plan तो आप उसी से पूछिए ना मैडम, बहुत बड़ा आदमी है। कौन है वो? I mean, what is he? मैडम ये सारे उसके नंबर्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं उसके, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं। अगर वो पंचायत को जमीन सौंप भी देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। So, वो जमीन नहीं सौंपेगा, यही ना? वो धोखाधड़ी में उस्ताद है, एक नंबर का शातिर, बड़े से बड़े रईस को कंगाल बना सकता है बड़े आराम से, लेकिन भरोसा किया जा सकता है? आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। नया थिनकरा गोपन। मैडम
बहुत खतरनाक है ये, अपने दुश्मनों को जमीन में गाड़ देते हैं। उसकी एंट्री तो देखने लायक होगी मधाई साहब। अरे मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग रुक्मणी। हाय। नमस्कार। नमस्ते। ये सब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो क्या है, वो नया थिनकरा गोपन अभी आया नहीं है मैडम। 12 बजे मेरी दूसरी मीटिंग भी है। आई हैव टू लीव बाय 11:30। मैडम आप अंदर वेट कीजिए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मैडम को अंदर ले जाओ। चलिए मैडम। अरे बाप रे, मधाई साहब ने ठीक कहा था, ये गोपन सच में बड़ा आदमी मालूम होता है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया है, मतलब मैं कितना भी बोलूं चुप रहो लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। वो मैं चुप ही रही है। हाँ चुप चुप। यहाँ पर संगीतकार गोपन कौन है? ये डिग्री कब मिली उन्हें? डिग्री किसी भी क्षेत्र की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है आपके? मुदलकुट्टा बटालियन भी मौजूद है, मुझे संगीतकार गोपन को अरेस्ट करना है। सुना क्या वकील साहब, तुमने और मधाई साहब ने मिलकर जिस आदमी को खड़ा किया था ना, लगता है वो चोर निकला, उसके यहाँ पहुँचने से पहले वारंटी आ गया। अरे वो निकल चुका है। आपको भी आया क्या? सुनिए आगे भी मैसेज आया है। मैं आ गया हूँ भाइयों बहनों, नमस्ते। मैं जानता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। ज्यादा नहीं, बस 50 मिनट। मैडम कब से आपका इंतजार कर रही हैं? रैम्बो बॉस। ए सुनो, यहाँ पर मैं भी खंबे के जैसे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या? मतलब खंबे की तरह जो खड़े हैं वो आप ही हैं। हाँ क्यों, अब देखो गोपन मेरी बात। सर संगीतकार गोपन बोलिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है सर, बस उसी से फर्क पड़ता है। संगीत संगीत कभी भी ना खत्म होने वाला समंदर, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर सकता है। बताइए ना सर, बताइए ना क्या बात है। मुझे तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। ओ सर, किसी मर्डर केस में क्या? नहीं। तो किडनैपिंग के केस में? नहीं। या फिर छेड़खानी के केस में? इनमें से तो कोई नहीं। चलिए फिर आप ही बता दीजिए किस केस में। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं नहीं। तुम यहाँ लेट पहुंचे इसकी वजह तुम्हें मालूम नहीं? इधर आइए, इधर आइए ना। अगर रिश्वत देना चाहते हो तो आइए। तो सही सर, आइए आइए सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आप तो जानते हैं मैं आदत से मजबूर हूं। आखिर ये क्या बात हुई? आराम से, एक बार मेरी बात तो सुनिए सर, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि मैंने सही किया है गलत किया। ठीक है बताओ। तुमने क्या पहना हुआ है? डार्लिंग वीडियो कॉल करो ना मुझे। क्या करना है अब तुम्हें पता है सर? हाँ बताओ, कब आओगी मेरे पास? सर 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 मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर।
मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुंचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा सर। सब कुछ क्लियर है सर? हाँ, पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे अरे अरे, अरे। आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना। हाँ, और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया। चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। अभी तक एक भी लड़की नहीं आई सर। वो मैं, चल निकल यहाँ से। चलो आ जाओ। हाँ? अरे वाह, लड़की आई है सर। लर्निंग है। हाँ? लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम फर्स्ट क्लास। सब कुछ निकालना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या है कि मुझे सब ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला सर। अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। अगर गाड़ी में स्कॉटिंग नहीं है तो बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगाकर छोड़ दी रहे बच्ची को। क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जब बीच में टांग घुसा रहा है? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सर। नहीं, अगर बॉस, प्लीज इनके पैर पकड़ लेता हूं सर। प्लीज प्लीज बॉस। रैम्बो देखो तो मुझे रोक। बॉस मत करो। मैं पकड़ूंगा। हां अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हां लो पकड़ो पकड़ो। हां गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया है? आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत जरूर करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं कॉमन मैन। हाँ, हाँ। समझ गया। रैम्बो बॉस, गाड़ी स्टार्ट okay, कर भाई। सुनो बेटा, तुम घर जाओ। आप सर वो सर मैं कहना चाहता हूं कि पानी लाओ। देखो तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर, मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओ तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखकर तो नहीं लगता सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की तो वो कंप्लेंट जायज नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है ना सर, सर उस तरफ देखिए जरा। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस यहाँ पर। एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता है? जॉन विक। हाँ, जॉन विक कौन है? ये थोड़ा तोतला है सर। विश्वम सर। विश्वम, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया मैं। विशंभर, तुम्हारी कोई कंप्लेंट है क्या? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है सर। अरे साहब को जल्दी से अस्पताल ले जाओ, अगर मर गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो बताइए क्या प्लान है, अब आप नहीं जा रहे हैं शिवशंकर साहब? तो क्या सोचा तुमने, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आना जरूरी है क्या? तो तुम नहीं आओगे? मुझे ले जाना टाल दीजिए ना सर, इतना भी नहीं कर सकते? हाँ। कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। अरे नहीं नहीं। अरे जल्दी चलो यहां से। मिस्टर गोपन, आपका शो खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात कर सकते हैं। ऐसा मत कहिए, मैं मुद्दा जानता हूं कि क्या है। मेरी रोजी रोटी बंद मत करवाइए, खेती करना मेरा व्यवसाय है। कम से कम खेती करके मुझे अपनी रोजी रोटी कमाने दीजिए मैडम। अगर आप खेत में धान उगाना चाहते हैं तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा।
पर अगर कोई और इरादा है तो जमीन जब्त कर ली जाएगी पंचायत के द्वारा। पंचायत वहाँ पर खेती करेगी। मैंने 18 एकड़ जो जमीन ली है मैडम वो एकदम निचले स्तर वाली है। कई सालों से वहाँ पर पानी जमा है इसलिए धान की खेती नहीं हो सकी मैडम। और आज वो जिस हालत में है वहाँ अच्छे किस्म का धान उगाया जा सकता है मैडम। और वो चावल पानी में ही उगता है। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मैडम, है ना? लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने जो रकम मथाई को दी है उस रकम से चावल की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, समझ लीजिए नामुमकिन है। हमें हालात को देखकर खेती करनी होगी, तभी तो फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। सही कहा ना मैडम मैंने? इनका चेहरा देखकर लग रहा है सब कुछ जानती हैं, तभी तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सब कुछ समझती हैं ये। रुक्मणी, मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do that I don't want to do. तो भाइयों, मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं एक बार उनसे फिर से मिल लूंगा। मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। किसी को कोई शंका हो तो आके मुझसे मिल सकता है। ओके ओके। ये सब क्या है? नया काम शुरू होने पे बिल्लियां रास्ता काटने जरूर आ जाती हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? खुन्नस। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ पे नंगा खड़ा हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम यहाँ मछली पालने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ पर एडाथला ग्रुप ने बुलाया है, सही कहा ना मैंने? 18.5 एकड़ जमीन लेवल करने के लिए। ओहो, हाँ तो तुम लोगों को पता चल गया। इंटेलिजेंट गाइज। तुम और तुम्हारा संगीत भूषण अपनी धमकियां और ड्रामेबाजी छोड़ो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये अलग जगह है, संभल के रहना। इस गांव में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये हम तय करते हैं, और कोई नहीं। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। सच में आप लोग इनकी परमिशन लेके गिरते हैं क्या? अरे ये तो बिना परमिशन के नीचे गिर गया। हाँ, अरे देखो ना, तुम सब लोग और तुम्हारी बाइक्स मेरा रास्ता रोक रहे हैं। भले मैं माफ कर दूं, लेकिन तुम्हें पता है ये 22255 तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस तरह के हालात में ये ब्रेक मारने पर भी नहीं रुकती। ये तो मेरे रिक्वेस्ट करने पर यहां रुकी हुई है। इस तरह का पागलपन दोबारा मत करना। चलो बच्चों, घर जाओ। चलो, हमें जो कहना था हमने कह दिया है, आगे और कोई बात नहीं होगी। बात मत करना, क्योंकि मेरे अंदर सुनने का सब्र नहीं बचा है। एक बात याद रखना, मेरी कार का नंबर है 22255। ये कार और इस कार में बैठने वाला यानी मैं, दोनों ही खतरनाक है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, मैं हद से ज्यादा ही खतरनाक हूं। गजराज आए। मेरी तरफ देखिए ना। ओके। आप जमीन को सपाट नहीं कर सकते लेकिन खोद सकते हो, ऐसा कानून सच में है? तुमने ये लॉ की डिग्री कहां से ली है? वो मुझे याद नहीं। कानून में कुछ अनकही बातें होती हैं। कानून ये नहीं कहता कि तुम ये मत करो, और ये भी नहीं कहता कि तुम ये कर सकते हो। हम तो दो लाइनों के बीच में बस अपना मतलब ढूंढते हैं। मतलब हमने खोदा तो उसके बाद फिर जमीन सपाट कैसे करेंगे? मेरे प्यारे लॉयर शशि, नहर से आने वाली रेत किनारे पर जमा हो जाएगी तो किनारा अपने आप उठ जाएगा। बस हो गया। तो फिर नहर को कैसे सपाट करोगे? मेरे इंटेलिजेंट सवाल का जवाब देना होगा आपको। ये तुम्हारा इंटेलिजेंस है या मेरी बदनसीबी है जो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। उस खेत में जो भी ढलान है और उसके आसपास जो जमीनें हैं वो सब तुमने हड़प कर ली हैं। जेसीबी लगा के उसको ऊबड़ खाबड़ कर देंगे। फिर बारिश के मौसम में वहाँ पानी गिरेगा और नहर अपने आप भर जाएगी। ऐसे कमाल के आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? मेरे बाप की वजह से। तेरी तुम है। बस ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। अगला डायलॉग मुझे पता है, तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं है ना? तो तुम यहाँ हो। तुम्हारा आइडिया और प्लान मुझे पसंद आया। अब तुम देर मत करो और फौरन काम शुरू कर दो।
सपना, सारे अकाउंट्स चेक करो जल्दी। ओके ओके। वो संगीतकार गोपन आ चुका है, आदमी सही लगता है। वैसे मैंने सब चेक कर लिया है। सब गिन ली ना? हाँ हाँ सब गिन लिए। इस बॉक्स को वहां पर रख दो। ठीक है मैडम। इन बक्सों में क्या है? ये कोई मामूली बक्से नहीं है, इनमें रोकड़ा भरा है, चिट फंड का डेली कलेक्शन है। ये अंदर ले जाएंगे, गिने जाएंगे और तहखाने में ले जाकर तिजोरी में रखे जाएंगे, और फिर मथाई सर उसकी चाबी अपने अंडर पैंट के पॉकेट में रखने के बाद ही सोएंगे। मथाई साहब भी कमाल के हैं। और वो स्वप्न सुंदरी कौन है? वो तो नई ऑडिटर है, देखने में भी भारी है और काम में भी भारी। मेरा इंट्रो करवा दो ना उससे। उसकी जरूरत है क्या? अगर कभी ऑडिट का काम निकला तो उससे करवा सकता हूँ। संगीतकार गोपन। नमस्ते सर। तुम्हारे आते ही गांव में हलचल मच गई और यहाँ के लोगों की हवा निकल गई, वो सब थोड़े घबराए हुए। वाह, हमें पसंद आए तुम। हमारे बॉस मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करते। आप पीते हो क्या? रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में बस समझ लो 3 दिन। नहीं 7 दिन। कभी कभार। लेकिन मैं सिर्फ सूर्यास्त के बाद ही पीता हूँ और वही खाना खाता हूँ जो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, और तभी मैं गाना भी गाता हूँ। मैं समझ गया। हरी मुरली रवम। ये गाना बहुत लंबा है, यहाँ मत गाना। अच्छा। घर के पीछे वाले तालाब में डुबकी लगाने के बाद जिस घर में आपने मेरे रहने का इंतजाम किया है वहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, जरूर आइएगा। सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि उस हाउस के पीछे एक तालाब है? परमेश्वर संसार चलाते। सॉरी, अगर उनके सच्चे दिल और श्रद्धा से पूजा की जाए तो जितने भी तालाब हैं वो सब आंखों के सामने आ जाते हैं। ये आदमी थोड़ा रहस्यमय मालूम होता है। हर इंसान को थोड़ा रहस्यमय होना ही चाहिए। रैम्बो, बस गाड़ी स्टार्ट करो। ओके बॉस। आवाज तो मेरी सुनी से लग रही है, शायद मेरा वहम हो। रैम्बो, तो मुझे किसी और नाम से बुला रही है। भागो रैम्बो, लगता है इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, मुझे नहाना पड़ेगा, तालाब के पास चलो। अरे तुम लोग ऐसे तालाब में क्या देख रहे हो? वो बाहर नहीं आ रहे। बाहर नहीं आ रहे कौन? बॉस नहाने के लिए अंदर गए हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, पानी में घुसते हैं, थोड़ा फुटेज खाते हैं, फिर निकलते हैं, उनकी स्टाइल है। ये फुटेज थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? काफी समय बीत गया है, मरवर तो नहीं गए ना? फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। क्या वो वकील मेरा पीछा कर रहे हो क्या?
या फिर मुझे नहाते हुए देखने आए हो? मुझे आपको कुछ देना था इसलिए। जो कुछ भी देना है घर के बरामदे में दो। जो भी बोलना है बोलो, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया तो फिर किसी की नहीं सुनूंगा। आपका रुतबा और आचरण देखकर लगता है कि आप में उन जमींदारों और सरदारों की सारी विशेषताएं हैं जिन्हें संगीत पसंद था। वैसे तो रोज ही आप पर मारपीट के कई केसेस दर्ज होते होंगे ना। ये कोई गलत बात है क्या? अरे दुनिया में गलती कौन नहीं करता है। आपको मुझे अपना पर्सनल वकील रखना चाहिए, मैं अच्छी पैरवी कर सकता हूँ। पैरवी तो कर लोगे लेकिन केस नहीं जीत पाओगे। अरे मेरे पास दिल्ली के वकील हैं जो मेरे लिए केस जीतते हैं। वो तो सेंटर में है ना, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं आपसे, आप सच में यहाँ पर जमीन लेवल करवाने के लिए आए हैं? तुम कब सीखोगे वकील, समझ में नहीं आता। कल से शुरुआत होगी इस गोपन के धमाके की। छह फिट चौड़ा और छह फिट गहरा, फिर उसमें छह फिट गैप होगा। खुदाई में जो भी रेत निकलेगी उसका इस्तेमाल होगा गैप भरने में, इससे उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ गए ना? समझ गया। हाँ बॉस, वो दामोदर जेसीबी अंदर नहीं लाने दे रहा है, उसकी जमीन से रास्ता गुजरता है। ज्योति ने कहा था बहुत सारी बाधाएं आएंगी और बाधाओं ने आना शुरू कर दिया है। जेसीबी को फौरन रोक दो, आदमी काम करेंगे, बाकी सब कुछ तुम संभाल लो ना। जाके और आदमियों को ले आओ और काम शुरू कर दो। जाओ जाओ। उसने कहा था कि वो जमीन की खुदाई करने जा रहा है। ऐसा करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। रास्ता दो, रुक्मिणी की सवारी आई। आपका स्वागत है रुक्मिणी जी, कहिए तो आपके रथ को धक्का लगाऊं मैं। इस खेत में कोई काम नहीं होगा, चलो निकलो। अरे निकलो यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि इस जमीन को ना तुम सपाट कर सकते हो, ना खोद सकते हो और ना ही कोई काम कर सकते हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? ये कौन सा न्याय हुआ? लीज पे ली हुई जमीन को मैं क्यों नहीं खोद सकता, मछली पालन क्यों नहीं कर सकता हूँ? मजाक कर रहे हो क्या? आपने तो परमिशन भी दी हुई है। तो फिर ये किस तरह का न्याय हुआ? सुनो, हमने जो बोला है वो यहाँ का कानून है, इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम खुद का कानून बना रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगा कि जो पैसे मैं खर्च करूंगा उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा और तुम वो होने नहीं दे रहे हो। रैम्बो बॉस, वो आ गए। अतिथि देवो भव। ईमानदार और बहुत ही कुशल मजदूर हैं ये लोग, बंगाल की भूमि से आए हैं। बंगाल की भूमि से? वो कहाँ है? बंगाल में है भाई। अरे भाइयों चलो काम पे लग जाओ। उन्हें आप नहीं रोक सकते हैं, वो लोग मेहमान हैं और मेहमान को रोका नहीं जा सकता। आज तक इस जगह पे हमने किसी भी बंगाली को काम नहीं करने दिया, चलो। अरे भाई उन्हें बंगाली मत बोलो, गवर्नमेंट इन्हें माइग्रेंट वर्कर्स कह के बुलाती है। अरे दूसरे राज्य के मजदूर हैं, अतिथि का अपमान नहीं करते बल्कि उन्हें दिल में बसाते हैं। सुनिए आप लोग जाकर अपना काम शुरू करिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? उठ जाओ भाई, उठ जाओ, आराम से। अरे बाप रे, एक मिनट भाई, देखो मेरे मजदूरों को मत मारो, प्लीज प्लीज प्लीज। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। ठीक है प्लीज।
लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें छूने या कुछ कहने की हिम्मत की तो बहुत बुरा होगा। तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। अयप्पा, पुलिस आ गई। हाँ देखा मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉकी पीछे हटो। अयप्पन उसे नीचे रखो। सर फिल्म खत्म होने से पहले कैसे आ गए? समझ नहीं। सर बेवकूफों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरा नाम संगीत सम्राट गोपन है। मैं संगीत सम्राट त्यागराज का शिष्य भी हूँ और वो फाइट मास्टर भी रह चुके हैं। अगर वो फाइट करने वाला शिष्य बाहर आ गया तो फिर मैं गाना गाते हुए तुम लोगों की ठुकाई करूंगा। फिर तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे, समझ गए ना? और यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा, समझे? और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरा सामना करके देखे। बड़े आए काम रोकने वाले। सर क्या हुआ? सर मैं यहाँ इसलिए आया, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको RDO के सामने हाजिर करने के ऑर्डर्स हैं। मतलब मुझे चलना होगा? तो नहीं आएंगे उस चुड़ैल के सामने? हाँ। मतलब उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। ठीक है चलिए चलता हूँ। RDO बहुत गुस्से में है। वो औरत RDO नहीं है सर, RDX है। वो किसी दवा का नाम नहीं है। सॉरी हम पहुंच गए। वो इंसान नहीं है सर। RDO के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है लेकिन वो इंसान नहीं है, राक्षसी है। राक्षसी देखता हूँ मेरा मछली पालन कैसे रोकती है। खून की नदियाँ बहा दूंगा और वो नदी पार करके आपको वापस जाना होगा। पर मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता तो फिर नाव से चले जाइएगा। हे भगवान इस मुसीबत से बचाओ, इनका साथ देने से मेरी टोपी उतर जाएगी और नहीं दिया तो मेरा सिर ये तोड़ देंगे। बातें करना बंद करिए, मेरे साथ आइए। आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हा? मैडम बिजी हैं, यहीं पर रुको। रुक जाऊं? हो ही नहीं सकता। जाके बोलो उनसे संगीतकार गोपन आए हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में। जाकर बोलो उनसे, अगर उनका ज्वालामुखी फूटा तो सब जल के राख हो जाएंगे। कहाँ है वो आदमी? अरे वो आदमी मैं हूँ। ये है वो आदमी। हाँ अरे बाप रे, जाके बोलो उन्हें, जाओ। अरे सुनिए गोपन, पेशेंस रखिए, इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये जाकर उससे बोलिए जिसने मुझे बुलाया है यहाँ पर। थोड़ा ठंड रखिए। क्या हुआ? मैडम बुला रही है। हाँ हाँ चलो सुनिए, अगर अंदर कोई सीन हो जाए तो आप बौखलाना नहीं। बिल्कुल मत डरना, आ जाओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात, मुझे माफी दे दीजिए महारानी जी, मुझे माफी दे दीजिए, मैं बहुत सदाचारी हूँ, ये तो आप जानती ही है ना। उस जमीन के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मोटा ब्याज भी भर रहा हूँ। अगर मछली पालन का काम नहीं शुरू हुआ ना तो सच कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूंगा मैडम, और मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी मैडम। और इंडिया के किसानों की लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, आप देख लेना मैडम। सर का नाम भी ऐड होगा। मेरा नाम क्यों? मैडम का नहीं काफी होगा, है ना? नहीं। लिखो अपना नाम, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ेगी। हा? क्योंकि फिश फार्मिंग तो वहाँ नहीं हो सकती। ये देखो कलेक्टर का स्टे ऑर्डर है, और तो और दो क्रिमिनल केसेस भी चलने वाले हैं। ये क्या हुआ? एक एग्रीकल्चरल लैंड में तालाब खोदने की कोशिश, और दूसरा गाँव वालों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश। मेरी छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? वो तो शहर से आने के लिए निकल भी चुकी हैं।
उन्हें तैरने के लिए तालाब नहीं मिला तो वो मर जाएंगी मैडम, और इतनी सारी मौतों का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैडम, नहीं हो सकता मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पैसे और पहचान के बलबूते पर अगर ऊपर से कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं, रहने दो, क्योंकि इस मैटर में ना तो कोई कोर्ट मदद करेगा ना कोई गवर्नमेंट। मैडम कुछ तो दया दिखाइए मुझ पर। नहीं मैडम, मैं आपका अपना भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका लवर हूँ, आपका शौहर हूँ, लेकिन फिर भी आप नफरत करती मुझसे, ऐसा मत करिए मैडम। मैं भी यही सोच रहा था। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? What the hell? Just clear out. Officer, मैडम, take him away. सुनिए गोपन, ओह, निकलो यहाँ से, नौकर शाही की दादागिरी, ये तो हद से ज्यादा ही हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं, नौकरशाही के खिलाफ आंदोलन। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑफिसर, मैडम, अब हम लोग चले यहाँ से क्या गोपन? मैडम, जस्ट क्लियर आउट आई सेड। भड़क गई, संगीतकार गोपन पर भड़क गई। अरे मैंने संगीत सीखा है, संगीत सिखाया भी है, लेकिन सबक नहीं सीखा, पर सबक सिखाना आता है मुझे, और खेत सपाट करना भी आता है। मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा और खेत भी सपाट करूंगा। चलो चलिए ना भाई, आइए। चलो मैडम, माफी चाहता हूं, सॉरी मैडम। एक तरफ ये आरडीओ और दूसरी तरफ वो जंगली बिल्लियां, मतलब अब जंग होनी निश्चित है। पर मैंने सुना है आपकी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर तक ही नहीं, नीचे तक भी बहुत है, तुम देखना। प्लीज मेरा ट्रांसफर कहीं दूर करवा दीजिए, मुझे शांति से जिंदगी बितानी है। यहाँ जंग होने वाली है और तुम्हें शांति चाहिए? वीडियो शूट करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कहीं और बैठ के देख। संगीतकार गोपन, क्या हुआ? अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो करोगे क्या? फालतू की बात नहीं हुई तो करूंगा। ये फालतू बात नहीं है, बढ़िया आइडिया है। मुदल कोट्टा बटालियन का एक मेंटोर है, पता है वो कौन है? नहीं। वो जिसने इन चारों को अपनी पनाह में रखा था जब बाढ़ आई थी बचाव राहत कार्य के लिए, वो कोई और नहीं, कुमार जी हैं। कुमार जी? हाँ, कुमार जी, गांधीवाद को मानने वाले और योगा गुरु। गांव वाले कुमार जी को देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। कुमार जी पर भरोसा करके तुम्हारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मैडम भी कुमार जी की बात मानती हैं, पिता मानती हैं उन्हें। वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना, रुक्मिणी, तुम उसे पकड़ो, कुमार जी के आश्रम में वो ले जाएगी। कुमार जी, हाँ, कितना सुकून भरा माहौल है, कितनी शांति है यहाँ। क्या? बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। ये आश्रम हम गांव वालों ने मिलकर ही बनाया है। ओ। आपको पता है कुमार जी और मुदल कोटा बटालियन ने कितना कुछ किया है इस गांव के लिए? सच में? जहाँ सर होना चाहिए वहाँ इनके पांव कैसे? ओह, इनका आसन तो देखो, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मिलकर इनका निर्माण किया है। अरे वो ऊपर उठ रहे हैं। क्या? उन्हें ऊपर उठता देखना कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है? उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्राप्त है। हैं? अद्भुत सिद्धियां प्राप्त है उन्हें। ओ, चमत्कार तो ऐसा है। हैं? मतलब ये जादूगर हैं। वो आंखें खोल रहे हैं। स्वामी, स्वामी जी। स्वामी। हाँ। नमस्कार स्वामी, पधारिए जी। स्वामी, विराजिए। हाँ। क्या हम लोग यहीं जमीन पर आसनस्थ हो जाएं? जी हाँ। जी जी। मैं संगीतकार गोपन नियंतिकार का रहने वाला हूँ, आपके लिए कुछ चढ़ावा लेकर आया हूँ। आप बकरी का दूध पीते हैं ऐसा इन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं लेकर आ गया। तो बताइए संगीतकार गोपन, ओ मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अपनी पहचान बताने आया हूँ साधु महाराज। साधु महाराज, मुझे साधु बनने में अभी बहुत समय है। सच में? तुम्हारे मछली पालन में अभी बहुत सारी बाधाएं हैं, है ना?
इन्हें तो सब कुछ पता है। गांव के अतिथि की बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने। अरे बाप रे, गुस्ताखी के लिए माफी। यहाँ मैं झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, रोजी रोटी कमाने आया हूँ। आप जो राक्षसों की सेना सॉरी, मतलब आपके जो शिष्यों की सेना है, उन्होंने मुझसे दुश्मनी कर ली है, और ऊपर से वो राक्षसी सॉरी वो आरडीओ, वो बहुत ही अड़ियल है। मैं जानता हूँ आप दोनों के बीच पिता पुत्री का रिश्ता है। स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो यहाँ रोटी कमाने के लिए आया हूँ। सही रास्ते पे चलोगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। अगर इरादा सही है तो सब मदद करेंगे। गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तुम्हें यह समझना होगा। हाँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ स्वामी? अरे क्या हुआ? क्यों, मुझे नीचे गिराना है? तुम्हारे पैर छूने के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं भगवान विष्णु हमेशा लेटे रहते हैं, शायद इसी डर से कि तुम्हारे जैसे लोग कहीं उन्हें नीचे न गिरा दें। क्या स्वामी जी, एडाथला ग्रुप की मदद से तुम इस गांव में पहुंच गए। एडाथला फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने गांव के गरीबों की बहुत सी जमीनें और पैसे हड़प लिए हैं। कई गांव वालों के घरों के कागजात उनकी तिजोरी में है। उन्हीं के बलबूते पे तुम उपद्रव कर रहे हो ना? जैसा आप कहें, उनके करार में जो भी शर्तें होंगी मैं सब मानूंगा। तुम शांति से रह सकते हो गोपन। रुक्मणी, हाँ? अब इन्हें लेके जाओ। ठीक है स्वामी जी। जी, चलते हैं। सिस्टर। हाँ? ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे प्यारे बालाटन जी गुजर गए हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, जब्त जब्त कर रहे हैं, एडाथला ग्रुप से आए हैं। जब्ती, एडाथला ग्रुप, वालेटन वाले टन, वाले टन, ना 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 ना। ये देख रहे हो, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर है। आज के बाद ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जब हमने उसे पैसे दिए थे तब ये घर और प्रॉपर्टी हमने हमारे नाम पर लिखवाई थी, ये मेरी होशियारी थी। सुनो, हाँ। इसके लिए इतनी शेखी मत बघारो, हर लोन देने वाला यही करता है। तो वैसे ही समझो, कानूनन अब इस प्रॉपर्टी पर एडाथला का मालिकाना हक है। इस प्रॉपर्टी के तीन गुना पैसे बनते हैं उन पर हमारे, असल और ब्याज मिला के वो तो अलग से बनेंगे। हम पिछले दो साल से उन्हें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये जब्ती कभी भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती। तो फिर पारदर्शकता से उन्हें घर खाली करने को सीधे बोल दो। हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, हमने मुख्यमंत्री और वेलफेयर फंड के पास अपनी पेटिशन भेजी है। देखो वकील, हम ये मैटर सेटल कर लेंगे लेकिन बटालियन के लड़कों को यहाँ मत आने दो। मैं उन्हें सब समझाता हूँ, ये समझदार लोग हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ये लोग हमारा ही साथ देंगे, है ना? है? नहीं देंगे। जरा बगल हटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है एडवोकेट शशि भाई, इन बेचारी लड़कियों पर जुल्म करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये तो बेचारे पहले से ही परेशान है। अरे बाप रे, तो वही है ना जो उसने मंदिर में दिखा था। पप्पू, अब हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब ये नया आदमी कौन है? अरे तुम उन्हें नहीं जानते हो, ये दुनिया के सबसे अमीर भगवान है, भगवानों के भगवान है, जो सबके दिलों में रहते हैं। पिन कोड भी बताऊं क्या? अब देखिए मिस्टर गोपन जी, तुम्हें इस केस में बीच बचाव नहीं करना चाहिए। इन्हें अपमानित करने के इरादे से पब्लिक को इकट्ठा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, इसलिए एडाथला बाबू ने इन लड़कियों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने पिछले 6 महीनों में कम से कम 100 बार तो फोन करके बुलाया ही होगा लेकिन ये नहीं आए। ओहो, मतलब ये है कि पूरा बदला लेने का प्लान है, क्योंकि इन्होंने एडाथला ब्रदर्स के ऑफिस में जाने से इनकार कर दिया, इसलिए ये बदला लेने आए हैं और आपको ये लोग इस घर से निकाल देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग, गौर फरमाइएगा, इन लड़कियों ने एडाथला बाबू के गलत इरादों को नकार दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। वकील साहब, अगला सेक्शन यहाँ कब लगेगा? देखिए गोपन जी, गैर जरूरी बात मत करो। हाँ, गैर जरूरी चीजों को तुमने जरूरी कहकर मांगा था, वो तो सारी चीजें फेल हो गई, अब क्या करोगे तुम ये जरा सोचो। तबलची बालाटन जी के पीछे कोई खड़ा नहीं होने वाला, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं रहूंगा, संगीतकार गोपन खड़ा रहेगा। मिस्टर संगीतकार, आप तो यहाँ पर मछली पालन करने आए थे ना, तो हमारी कार्रवाई में टांग क्यों उड़ा रहे हो? तबलची बालाटन जी एक महान कलाकार है, अगर वो अपनी बेटियों के साथ सड़क पर आने वाले हैं तो मेरे जैसा संगीतकार ये सब कैसे देख सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दत्ता सेन को पता चला तो फिर क्या होगा?
वो कौन है? येसुदास दासतन। उन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। अरे चलो मेरे साथ संगीतकार जी, प्लीज चलिए। नहीं चलूंगा मैं। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आइए आइए। सुनिए, ये भी एड़ा थला ग्रुप का ही काम है, हमें सपोर्ट कीजिए, बीच में टांग अड़ा कर गड़बड़ मत कीजिए। अरे सुनो भाइयों, ये मुझसे सौदा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो मुझे खरीद सके, ऐसा कोई स्टैंप भी नहीं बना है। मैं यहाँ किसी के हाथों बिक जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए! अरे बाप रे, तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गए। बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर खेत लीज पे लिया है, उसके लिए मैंने काफी अच्छी रकम भी दी है, और उसी एग्रीमेंट की वजह से। ये मत समझना कि तुम कुछ गलत करोगे और ये गोपन तुम्हारा साथ देगा। वैसे भी तुम्हारा साथ कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है यड़थला बाबू, अब तुम जा सकते हो। बाले टन और उनकी बेटियाँ ये घर खाली नहीं करेंगी, हम लोग आपको किश्तों में पैसा वापस कर देंगे। तुम्हें किश्त देने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़कियाँ हमसे मिलने नहीं आई है। तुमसे क्या अकेले में मिली थी? सोई थी क्या तेरे साथ? जरा साइड में हटिएगा। क्या पंच मारा है? शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे पैर नहीं छुए। सुनो, इनके बारे में तुम जानना चाहते हो ना? ये मेरी बहनें हैं और बालाटन जी मेरे गुरु हैं। गुरु? मेरे मुंह बोले गुरु। हमारा द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसा नाता है। एकलव्य ने तो सिर्फ अपना अंगूठा काट के दिया था, इनके लिए तो मैं अपनी पांचों उंगलियां कटवा सकता हूँ। बड़े आए हैं। आओ। रुक जाओ, हम सब यहाँ साथ हैं, जाओ यहाँ से। गोपन अकेला व्यक्ति नहीं है, पूरी संस्था है ये। डराने आए थे। अरे बाबू रुक जाओ, बात को बढ़ाओ मत, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। चलो अभी अभी घर चलो, चलो मेरी बात सुनो, चलो अंदर। सुनिए, ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आवाज करेगा तो मार डालूंगा। देखिए, चाहो तो इसे मेरा डाइंग कन्फेशन समझ लीजिए। आज तक इस वथाई के बेटे को छूने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, और वो कमीना जो खेत सपाट करने आया था उसको उसी खेत में गाड़ दो। बाबा, अरे सुन मेरी बात, सुन। खून खराबे की जरूरत नहीं है, अगर मर्डर केस हो गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है। तुम हट जाओ वकील यहाँ से। अरे बाबा मुझे बोलने तो दो, ये सब चाल है, ये गोपन का एक अच्छा खासा मास्टर स्ट्रोक है। जमीन सपाट करने के लिए उसे गांव वालों का और बटालियन का सपोर्ट चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर हमें अपना दुश्मन बनाया है। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, आई बात समझ में? जब तक वो मैदान में है अपने घोड़ों को लगाम डालो। मेरे बेटे को चांटा मारना उसका मास्टर स्ट्रोक था। अगर बाबू को चांटा मारता तो क्या हमारी 18.5 एकड़ जमीन लेवल हो जाएगी क्या? आप इसकी बात बस सुनो बाबा, जैसा तुमने बोला अगर ये उसकी चाल थी तो मैं उसे माफ करूंगा, वरना इस जमीन से उठने से पहले मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा, और ये मेरा वादा है। उसे खत्म करना तो ठीक है, लेकिन अपने पैर और मुंह का ख्याल रखिएगा, उसका इन दोनों पर विशेष प्रेम है। ये बालेटन क्या लगता है आपको कौन होगा? कौन है? हाँ, ये देवराज मास्टर जी या आर के शेखर मास्टर जी से पूछना पड़ेगा कि ये कौन है, या फिर जॉनसन मास्टर जी या रविंद्र मास्टर जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है ना? हाँ हाँ, तो फिर आप उनसे पूछेंगे कैसे? सवाल ये है कि आप उनसे पूछेंगे कैसे? लेकिन सवाल तो आपने पूछा था ना। दरअसल बात यह है कि कभी कभी मैं अपने आप से ऐसे बेकार के सवाल पूछता रहता हूँ और उसके जवाब भी मैं देता हूँ। बालेटन जी का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, मुझे जहाँ तक याद है कि दिलीप जी के बारे में। इसमें खामोखा दिलीप को मत घसीटो गोपन, मैं दिलीप का फैन हूँ। अरे वो वाले दिलीप नहीं, ये वाले दिलीप। अरे मैं AR रहमान वाले दिलीप जी की बात कर रहा हूँ। दिलीप नाम की फिल्म में उन्होंने अपना संगीत दिया, ये मैं जानता हूँ, और उसमें बालाटन जी ने तबला बजाया था। वो योद्धा है। वाह क्या बात है, क्या रात है, मस्तानी रात है, झूमके नाचो। बालाटन जी की इस हालत को AR रहमान को बताना होगा, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए और बालाटन जी की हालत ठीक हो जाए। तो अब AR रहमान जी का शो यहाँ करवाना होगा। अरे क्या ये हो सकता है? क्या आप रहमान को पर्सनली जानते हैं? ए पागल लड़की रुको, तुमने क्या पूछा मुझसे? यही ना कि AR रहमान जी को मैं पर्सनली जानता हूँ कि नहीं? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। रैम्बो बस। अरे
अरे वाह, हेलो वेंकटेश, आप बोले सर, वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। हाँ मैं संगीतकार गोपन बोल रहा हूँ। पता है सर, कहिए ना। रहमान साहब चेन्नई में है क्या? नहीं सर, अभी वो लंदन में है, रोमिंग पर। ओ लंदन गए हैं, रोमिंग पर हैं। हाँ सर बताइए ना। अच्छा अच्छा, तुम उनसे कह सकते हो कि मुझसे बात कर ले, रात में भी कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर सब ठीक है। हाँ ओके ओके, चलो बाय। रहमान साहब लंदन में है। अरे आप लोगों ने सुना ना, गोपन जी एआर रहमान जी को पर्सनली जानते हैं। माय डियर रुकू, एक हा? जमाने की बात है कि एक बेड और एक प्लेट। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम एक बेड पर सोते थे और एक ही थाली में खाते थे, ऐसा रिलेशन है हमारा। स्वामी जी, स्वामी महाराज जी, अगर ये प्रोग्राम हो गया तो इसका पूरा फायदा बालाटन जी की फैमिली को होगा और मुदल कोटा बटालियन का सपना सच हो जाएगा। आगे का डिसीजन आपका। मेरा मिशन है 100 घर बनाने का सपना। अरे मेरे प्यारे गोपन, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, तो फिर ये प्रोग्राम होना चाहिए, हमें जाना ही होगा। हाँ ये प्रोग्राम हो गया तो हम गांव की सारी गरीब लड़कियों की शादी करा देंगे। इस रहमान के शो पे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना? मैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को जानता हूँ जो ये शो स्पॉन्सर कर सकते हैं। हाँ। फिर हम उस शो को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम किसी भी टीवी चैनल को 4-5 करोड़ रुपए में बेच देंगे। हाँ, सही का। हाँ। लेकिन हम ये शो करेंगे कहाँ पर? पंचायत का ऑडिटोरियम है। तुम्हारा 250 सीट वाला पंचायत ऑडिटोरियम एआर रहमान के शो के लिए? देखिए प्रेसिडेंट साहब, शो के दौरान कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। बाप रे, बहुत बड़ा स्टेज होगा। हमें एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी चाहिए। इस गांव में इतनी बड़ी जगह है क्या कहीं? तो फिर हमारा स्कूल का ग्राउंड है ना प्रेसिडेंट जी? हाँ लगभग 1 एकड़ का होगा। देखिए प्रेसिडेंट जी, कम से कम 5 से 10 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ओ क्या मैं एक सुझाव दूं? तुम अपनी जमीन पे क्यों नहीं करवाते? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ मेरी छोटी छोटी मछलियाँ रहेंगी, वैसे भी वो शहर से आने के लिए निकल चुकी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कई सालों से वहाँ धान की खेती नहीं हुई है, इसलिए सरकार वो जमीन खेती के लिए लेना चाहती है। एडाथला ग्रुप ने तुम्हें वो जमीन लीज पे दी है ताकि सरकार वो जमीन अपने कब्जे में न कर सके। हम वो जमीन सपाट कर देंगे और शो के लिए स्टेज बना देंगे। वाह, ये तो कमाल का आइडिया। लेकिन वो मेरी छोटी छोटी मछलियां जो शहर से निकल चुकी है। देखो अब तुम ना नहीं करना, ये गांव की जरूरत है। अगर आप सब यही चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, बटालियन, सब गांव वाले मिलकर काम करेंगे और रहमान का शो सुपर हिट कर देंगे। सही कहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाईवे से वहां तक रोड बनाने के लिए उस दामोदर की इजाजत लेनी होगी। अगर वो जमीन देने के लिए तैयार हो गया तो हम रोड आसानी से बना सकते हैं। ओ, जब मैं जेसीबी ला रहा था तो उसी ने बखेड़ा खड़ा किया था ना? अरे ये दामोदर काफी खतरनाक आदमी है। 2 मर्डर केस चल रहे उस पे, पिछले महीने ही जेल से छूट के आया है। लेकिन हम सब मिलके उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। इतना मुआवजा देंगे कि वो मना ना कर पाए। अगर वो नहीं माना तो? अगर नहीं माना तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं, निर्णय तो वही लेगा ना। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? वो मेरी बात नहीं सुनेगा प्रेसिडेंट जी। क्या हुआ, मान गए क्या वो? ये नहीं हो सकता गोपन, हमने पूरी कोशिश कर ली। ओह, आपने वो दामोदर जी से बात की? मैं? तुम ही आओ। मैं? तुम आओ। आओ। तो तुम हो गोपन नयातिन करा? नहीं नहीं, मैं संगीतकार गोपन हूं। दोनों तो एक ही है। हाँ दोनों एक हैं, लेकिन ये संगीतकार घराने का एक अलग ही मजा होता है सर जी। मुझे वो मजा नहीं लेना। नहीं लेना? पूजा पूरा जेल की सलाख है, मैं 10 साल से गिनता आया हूं। ओ
10 सालों तक गिन सकते हैं, इतनी सलाखें हैं वहां। अब मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करानी है, क्या तुम करवा सकते हो? तीनों की शादी मैं अकेले? तुम जो सामूहिक विवाह मेला करने जा रहे हो उसमें मेरी 3 बेटियों की शादी करा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो दीवार गिरा सकते हो। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं जबान देता हूँ। दामोदर जी आप हमारे प्यारे हैं, चलिए आइए, अब आइए ना। दामोदर जी की जय। मान गए आपको, रहमान का शो जमीन की लेवलिंग, आप तो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज निकले। कांग्रेचुलेशंस। अब जब तुमने जमीन सपाट कर दी है, हाँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है, तो ये लो। ये क्या है? नया एग्रीमेंट जिसमें लिखा है कि पुराना एग्रीमेंट अब कैंसिल हो गया है। अभी आपकी हम पर एक पार्टी उधार रही, उसके बाद ही हम आपको यहां से भेज देंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तेरा काम खत्म हो चुका है, अब तू जा सकता है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। क्या तुम्हारा इरादा क्या है? रहमान का शो और यह बड़ी रकम का जो गफला करने वाला है, तब काम खत्म होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है वकील, काफी सारे लक्ष्य और इरादे बाकी हैं और मुझे वो सब पूरे करने हैं। हमारी फैमिली से पंगा लोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। ये कोई मामूली सर नहीं है, ये सारे सरों का बाप है। अगर इसे काटने की चाहत रखते हो ना, तो तभी आना जब मौत सर पे सवार है। और अपने बाप से बोलना कि क्रियाक्रम का इंतजाम करके रखे, समझ गए बेबी बाबू? ये मथाई की जमीन है, वो जमीन जो उन लोगों के खून से भीगी हुई है जिन्होंने मथाई के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे, फिर कभी नया थीन करा नहीं जा पाओगे। नया थीन करा गोपन? सच में? जब से मैंने यहाँ पर पैर रख दिया है ये जमीन मेरी हो गई है, ये गोपन की जगह है और हमेशा रहेगी, समझ गए ना? गांव वालों से हमारे बारे में भी पूछ लो, थोड़ी जानकारी ले लो, फिर हमारा सामना करना। मुझे सब कुछ पता है, जिनको तुम्हारे बाप ने लूटा है, फसाया है और उनकी आंखों में धूल झोंकी है, उन्हें बर्बाद किया। अब जरा जाकर मेरे बारे में भी पता करके आ जाओ। एक बार शहर चले जाओ और वहां लोगों से पूछो कि गोपन नाम का कोई आदमी है जो शहर से गांव गया है, उसके साथ 3 आदमी भी हैं, जरा उसके बारे में बताओ। जब वो मेरे बारे में तुम्हें बताना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बड़ा आया। मैं भी देखता हूं तुम ये शो कैसे करते हो। मेरा शो तो बहुत पहले शुरू हो चुका है, अब तो बस पर्दा गिराना बाकी है। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर्दे की रस्सी ही उसके फांसी का फंदा बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं।
हिम्मत है तो वो जेसीबी मेरी जमीन के अंदर लाकर दिखाओ। दामोदर फिर से जेल जाने से नहीं डरता है। ये क्या बोल रहा है दामोदर? तुम तो दीवार गिराने के लिए राजी हो गए थे ना, फिर क्या हुआ? कब हुआ था? यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। मैंने उसी दिन कहा था उस नयातिन करा गोपन से, मेरी जमीन से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, शायद आपको ठीक से याद नहीं है दामोदर जी, आपने ही हमें इसकी परमिशन दी थी। आपके कहने के बाद ही हमने इसकी लेवलिंग की है। हाँ। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है ना, तो आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा सर। अच्छा, कैसे? ए तो बाजू हट। अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं धूमधाम से शादी कराऊंगा। रही बात इस दीवार की, तो हाथ भी नहीं लगाना। अगर वक्त आने पर आप अपना फैसला बदलेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दामोदर जी, मेरी मदद करिए, इससे इन गांव वालों का भी भला हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए दामोदर जी। अड़थला ग्रुप पर भरोसा मत करिए, वो आपको जितने भी पैसे दे रहे हैं मैं उससे दुगने दूंगा आपको। बस हमें रोकिए मत, आपके इस गांव की जरूरत है। आपको तो इस गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए दामोदर जी। ए, निकल जाओ। गोपन कमीना, दामोदर जी अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सब के सामने आपके पैर पकड़ लेता हूं। प्लीज प्लीज दामोदर जी प्लीज प्लीज। मैंने इस गांव में कदम रखा है इसकी किस्मत बदलने के लिए, और अगर उसकी किस्मत बदलने के लिए मुझे तुम जैसे खोखार जानवरों का शिकार भी करना पड़ा ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो चीर के रख दूंगा। दीवार गिरा दो। जाओ।
मेरे पति को छोड़ दीजिए, कम से कम इन लड़कियों के बारे में ही सोचिए प्लीज। अरे बहन, आप लोग जैसा सोच रहे हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये दामोदर जी को सोचना चाहिए था ना। अरे अरे रोइए मत, देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। क्या तुमने इनसे कहा कि तुम लोग शादी नहीं करोगी? तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, शादी करना ही औरतों का काम नहीं होता है, उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, उससे हमारा समाज तरक्की करेगा। तुम लोग को जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये पूरा गांव तुम्हारे साथ में और ये बटालियन भी। अब तुम अपने बाबा को अंदर ले जाओ और अंदर जाकर थोड़ी तेल मालिश करो। वो आरडीओ मैडम, एसपी और सीओ साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्या हुआ है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये सब नौकरशाही और दादागिरी है और क्या? नहीं नहीं, मैं वहीं चलता हूँ, यहाँ मत बुलाओ, चलो चलो। सर मैं देखूं। एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए, चलो। सुनिए मिस्टर गोपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन केस क्या है? पहला, रहमान के शो के नाम पर खेती की जमीन सपाट करना, और दूसरा, जो शो नहीं होने वाला उसके नाम पर धोखा देना। शाका, शो नहीं होने वाला? शो नहीं होने वाला है। अरे मैंने भी तो यही पूछा, मैंने भी तो वही सवाल पूछा है। हाँ, मिस्टर ए आर रहमान को ऐसे किसी शो के बारे में पता भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी की थी और जवाब में ईमेल आया है, मेरे फोन पर ही है। मैडम, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या की वजह से मुझ पर केस थोप रही हैं और इसीलिए आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। व्यक्तिगत ईर्ष्या तुम्हारे और मेरे बीच? देखिए मोहतरमा, मेरे और आपके बीच में जो कुछ भी है सब कोई जानता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बात तो सच है कि मैडम को गोपन का नाम सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके पास पॉइंट है, ये तुम्हें समझना होगा गोपन। ले चलो इसे। तुम सब लोग चलो, निकलो यहाँ से। मैडम एक बात तो समझनी होगी आपको, ये ए आर रहमान आप में से किसी को नहीं जानते, लेकिन इस संगीतकार गोपन को ए आर रहमान जानते हैं, और उसी तरह से ए आर रहमान को ये गोपन जानता है। इन्होंने तो एक ही बात को दो बार घुमा कर कह दिया। गांव वालों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं गोपन ये शो जरूर करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये शो होगा। ए आर रहमान आएंगे, अपना शो करेंगे, मैं नाचूंगा, सारा गांव जश्न मनाएगा। और यही क्लाइमेक्स होगा, शो की तैयारियां आतिशबाजी के साथ शुरू की जाए। हेलो, हाँ शिवशंकर साहब। हाँ, 3 घंटे से आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? गोपन तुम्हें पता नहीं है, जबरदस्त चर्चा चल रही है अंदर, तुम्हारे लिए स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक के कॉल आ रहे हैं, इतनी बड़ी पहुंच है तुम्हारी। सर एसपी साहब ने बुलाया। हाँ मैं अंदर देख के आता हूँ। ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, ये तो बहुत पेचीदा मामला बन गया, ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया है, आखिर कौन है ये गोपन? सर वो काफी नोटोरियस है, उसे कॉम्प्रोमाइज करके किसी तरह से वापस भेजना ही ठीक होगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते, उसने बहुत सारे अपराध किए हैं सर, खेती की जमीन को सपाट करना, जो शो होने वाला नहीं है उसकी टिकट्स बेचना, ये चीटिंग नहीं है क्या? अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो क्या मैसेज जाएगा? गलत मिसाल बनेगी, रियल एस्टेट माफिया जो जमीन की लेवलिंग करना चाहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो सर वी कैनॉट लेट गो ऑफ दिस। वैसे सर आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मैडम, देखिए मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट डीजी साहब का ऑर्डर है इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। मुझे कुछ बोलने की परमिशन मिलेगी? क्या बोलना है तुम्हें? मैं बोल सकता हूँ मैडम?
सर ये जो जमीन सपाट की गई वो मेरी नहीं है और ना ही मैंने इस जमीन को सपाट किया है। इस जमीन को सपाट तो पंचायत ने किया है, गांव के लोगों ने किया है। अगर केस डालना ही है तो गांव के सारे लोगों पर आपको केस डालना पड़ेगा सर। केस के बारे में लिखते लिखते इनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे सर। नहीं नहीं सर, मैंने तो उस जमीन को लीज पे लिया था सर, मेरा नुकसान हुआ और मछली पालन भी चौपट हो गया, छोटी छोटी मछलियां यतीम हो गई सर, उनके आंसू कैसे देख पाऊंगा सर। जहां तक शो का सवाल है वो तो जरूर होगा सर, इस शो के नाम पर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही टिकट बेचा है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर, मेरी प्यारी मछलियां। चलिए बताइए आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे, मुझ जैसे मासूम आदमी को आप गिरफ्तार करना ही क्यों चाहते हैं? अगर कहिए तो मैं अपने वकील को बुला लूं। सर वकील दिल्ली का है, नंद गोपाल मारन, बिना उसकी मर्जी के अगर कोई उसके बराबर तौल कर भी रुपया दे दे तो भी केस नहीं लड़ता है सर वो, सही कहा ना? सही कहा, वही वकील है मेरा। मिस्टर गोपन यू मे वेट आउटसाइड प्लीज। देखिए डीजी साहब से बात करते हैं, होम सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करने को बोला है। व्हाट इज ही, आई मीन हाउ इज ही सो इन्फ्लुएंशियल? देखिए हम किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक पूरी छानबीन ना हो जाए, पंचायत के साथ आपको डिस्कस करना होगा। हाँ चलिए। देखिए मिस्टर गोपन, अभी के लिए आप जा सकते हैं लेकिन जब हम बुलाएंगे आपको आना होगा। सर जब हम पुलिस वाले शर्मिंदा होते हैं तो यही कहना पड़ता है, फिर से बुलाएंगे? नॉनसेंस। हाँ अभी खुशी मना लो क्योंकि अभी बच गए, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। तुमने जो ये नकाब पहना है मैं उसे उतार के रहूंगी। एक्शन तो ठीक है लेकिन आपने ये जो डायलॉग बोला है उसमें थोड़ा और ड्रामा चाहिए था। ऐसा ही लगा। नो, हु केयर्स, हर समय हर एक को धोखा नहीं दे सकते तुम। जो रेत निकाली है उसे वापस डालने की तैयारी कर लो। सच में मुझे बेलचा चलाना नहीं आता लेकिन सीख लूंगा, अगर सीख लिया तो मैं चलाऊंगा, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं जरूर सीखूंगा। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। काफी घमंडी औरत है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। तुम बिल्कुल सही हो गोपन, वो क्या कहते हैं ब्यूरो, कोई बात नहीं, इसके पीछे जरूर कोई है। ऐसी बात है क्या? अरे नहीं, इसके पीछे काफी लोग हैं। हम पता लगा लेंगे, मुझमें भी पुष्पराज है। अब ये पुष्पराज कौन है? डिटेक्टिव पुष्पराज। वाओ, जरा ने धारावी के बारे में सुना होगा, ये वही गोपन है जिसने एक ही रात में पूरी धारावी को खाली करा दिया था। What rubbish! आपने धारावी देखी भी है? वो बहुत बड़ा एरिया है, किसी ने वो जगह एक रात में खाली नहीं की है और ना ही कोई कर सकता है। नहीं मैडम, इसने खाली करवाई थी लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि धारावी के लोगों को भी नहीं। ऐसा है, ये संगीतकार गोपन, नेत्यनकार गोपन, ये उसका नकली नाम है मैडम। असलियत तो ये है कि वो अंडरवर्ल्ड से है, बादशाह बिल्ला काला, ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है इसीलिए इसने अपना नाम अलग रखा है। ध्यान दिया क्या आपने? नियतिनकार गोपन का असली नाम है गोपाल। जी हाँ। देखिए मैडम, मैंने एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी सारी बारीकियां बताकर दो चित्र बनवाए हैं। गोपाल, इतनी बारीकियां बताने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने ही तो है ये जिंदा। मैडम भले ही मुलजिम जिंदा हो और हमारे सामने हो पर उसका रेखाचित्र बनवाना पुलिस की कार्रवाई का एक हिस्सा है।
वो अनजान डिटेक्टिव जो इसके पीछे है और जिसने सारी जानकारियां हासिल की हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैडम, आप किसी को बताइएगा नहीं, केरल के हवाई अड्डे पर जो सोना स्मगल होता है उसके पीछे वही तो है। उसकी एक और खासियत है, हर बुरा काम करता है, लोगों को मार भी डालता है, किडनैपिंग में भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो नारकोटिक्स का धंधा कभी नहीं करता। नारकोटिक्स का धंधा गंदा है ऐसा कह के वो उससे हमेशा दूर रहता है। गोपा के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है मैडम, आगे पता लगा रहा हूं। लगता है आपने जो ऑर्डर किया था आ गया है। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? गोपा, मैं मैडम से मिलने के लिए आया हूं। हमारी बातें तुमने सुनी क्या? नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं तो तुम सुनोगे क्या? हाँ, जा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जा रहा हूँ। फिर दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगी ना, इसलिए। उसने आपको मेरे बारे में कौन सी झूठी कहानी बताई है ये मैं नहीं जानता हूं। आप पर है कि आप मेरे पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही बड़ा मूर्ख है। ये बात मेरी समझ में आ गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन गोपा, तुम यहां क्यों आए हो? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? मैडम, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। हम तो कभी कभी आपसे मिलके आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, भले आधी रात क्यों ना हो। अब जो मैं कहने आया हूं उसे आपको सुनना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मैं यहां पर बैठ सकता हूं क्या? ये झूले वाला सोफा मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं इसे देखता हूं तो मुझे बैठने का मन करता है। एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने वो जमीन लीज पर ली है, उसमें दखल देने के लिए एडथरा ग्रुप ने मुझ पर केस दायर किया है। इस केस को अच्छी तरीके से लड़ने के लिए मैं और मेरे वकीलों ने इस जमीन के बारे में बहुत ही बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। हमें पता चला है कि एडथरा ग्रुप का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है, उनके पास जो कागजात है वो जाली है। जमीन के मालिक श्रीधरन मास्टर जी है, इन मास्टर जी ने उस ग्रुप से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने ये पैसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लिए थे। पैसे लेने के लिए उन्होंने वो जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन मथई ने वो जमीन हड़प ली। श्रीधरन मास्टर जी की बेटी और उसका पति अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी एक और बेटी है जिसका नाम है सुभद्रा, लेकिन वो बेचारी इन लोगों से डरती है। मास्टर और उनकी पोती डर से दूसरे गांव में रहते हैं। मैं उन्हें यहां लेकर आऊंगा, उन्हें इस केस का विटनेस बनाऊंगा। अगर इंसानियत की नजरों से देखा जाए तो उनके साथ अन्याय हुआ है, ये बात पक्की है। सारे कागजात उनके हैं, जमीन उनकी है, और वो उन्हें मिलनी चाहिए। मैं चलता हूं मैडम, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना मत करिएगा। मैं ये पोस्टर ले जाऊं क्या? फ्रेमिंग करवा कर मैं इसे अपने घर में ठाकूंगा, प्लीज। मैं ही हूं संगीतकार गोपन। मैं हूं श्रीधरन। पता है, श्रीधरन मास्टर जी। और ये जानता हूं आपकी छोटी बेटी सुभद्रा। आश्चर्यचकित मत होइए, ये आपका ही घर है, अब आपको यहां पर रहना है। कोई कुछ दिनों के लिए यहां पर रहने आया है, आप मुझे बस उसी नजरिए से देखिएगा। यहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक कि यह घर आपका नहीं हो जाता, मैं यहीं रहूंगा आपकी हिफाजत के लिए, एक बेटे की तरह। मुझे लगा मैंने पुश्तैनी मकान अपना हमेशा के लिए खो दिया, इस विष्णु पर्व में कृष्ण भगवान ने ही हमें दिया है। आ जा बेटी। अच्छा, मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? उसी ने आपसे जिसने शिक्षा ली और एक अच्छी नौकरी पाई, वो इसी गांव का है, वो यहाँ का एग्रीकल्चर ऑफिसर है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं आप? आओ ना, अंदर आइए ना मास्टर जी। हाँ।
अच्छा ये बताइए, क्या ये मास्टर उस 18.5 एकड़ जमीन का और कलापुर हाउस का असली मालिक है? तो ये सब मैं आपका लीगल एडवाइजर बनने के पहले हुआ था, है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे उन्होंने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं वो काफी पुख्ता है। ये केस तो हम हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। और तो और, एडेथला ग्रुप की ज्यादातर प्रॉपर्टीज नकली हैं। ये प्रूफ करने के लिए आरडीओ ने तहकीकात शुरू भी कर दी है। अगर ये सारे केस एक साथ खुल गए तो मैं क्या करूंगा? बेबी, सबसे पहले तो उस निकम्मे वकील को आग लगाओ और दूसरा वकील लेकर आओ। तो फिर इस एडवोकेट शशि एम एलएलबी के पास क्या काम रह जाएगा? सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हें तकलीफ ना हो तो चुप रहो। हमसे पैसे लेने के बाद वो जमीन लेबल करने के लिए आया। ये कोई मामूली नयातिन कारा गोपन नहीं है। या तो किसी ने उसे खरीदा है या फिर उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे तो लगता है वो यहाँ बदला लेने आया है, और ये बहुत ही पुराना बदला लगता है। किसी गरीब ब्राह्मण ने बलि के पत्थर पर अपना सर पटक कर आत्महत्या की थी, उसी हत्या का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस गरीब ब्राह्मण का ये गोपन बेटा हो। है? कौन गरीब ब्राह्मण? हे वकील, ये तो क्या फालतू की बकवास कर रहा है, अपना मुंह बंद रख। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। ओके, बस। मैंने सभी जानकारों से बात की, सभी को यही लगता है कि हमें सीधे तौर पर इसमें नहीं उतरना चाहिए। तो अब जो जरूरी है वो तैयारी करो। बाबा, आपको यकीन है कि हम कर पाएंगे? आप बस करिए भाई साहब, हम करेंगे बाबा, करना होगा। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, खत्म करो उसे। अब वो नयथिन करा गोपन, सीधे तौर पर उसका नाम मत लो। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, चाहे जितना खर्चा करना पड़े। वो नयथिन करा गोपन बचना नहीं चाहिए। मैडम, मेरे पास एक बड़ी खबर है। गोपन को खत्म करने के लिए राजू नाम का एक नामचीन सुपारी किलर मुंबई से आया है। बहुत ही शातिर किलर है वो। यहाँ गैंग वॉर शुरू होने वाली है। बस हमें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, कोई तो मरेगा, या तो संगीतकार गोपन या फिर राजू। वैसे भी मैं तो 2-3 दिनों के लिए यहाँ से गायब होने वाला हूँ। स्वामी जी, अरे महाराज जी कहाँ है, मुझे बचाइए। स्वामी जी मुझे बचाइए, अरे बाप रे, मेरी जान खतरे में है और आप यहाँ चुपचाप वीणा बजा रहे हैं। स्वामी जी मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। एडथला ग्रुप के लोगों ने मुझे मारने के लिए मुंबई से डॉन बुलवाया है। बड़ा राजू स्वामी जी। संगीतकार गोपन के सामने उस राजू की क्या औकात? नहीं स्वामी जी, उसके पास बंदूक है। लगता है आप उसे जानते नहीं हैं। अरे वो अपने शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, मुंबई में उसकी बहुत चलती है। उसके ऊपर 53 मर्डर केस है और मुंबई पुलिस एक भी केस साबित नहीं कर पाई है। अगर उसने मुझे मारने की सुपारी ले ली तो मुझे जरूर मारेगा स्वामी जी। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई फायदा नहीं है स्वामी जी, उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार डालेगा। उन लोगों के साथ उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? शो होना चाहिए, तुमने इतनी प्रार्थना की इसलिए गुरुजी ने तुम्हें सपोर्ट किया है। बेघर और बेसहारा बच्चों ने बहुत आस लगाई हुई है, उन्हें निराश नहीं कर सकते, और ये गाँव की भी जरूरत है। तुम उन्हें उनकी प्रॉपर्टी लौटा दो, और यकीन करो हम उन्हें खेती के अलावा वहाँ और कुछ नहीं करने देंगे। बेचारे श्रीधरन मास्टर जी और उनका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। तुम उनकी चिंता मत करो, केस लड़ने के लिए हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। हे भगवान, उनके पास बंदूक है स्वामी। एक काम करता हूँ, एडथला मथाई का मैं पैर पकड़ लूँ क्या? है? क्या मैं सचमुच उनका पैर पकड़ लूँ? मालिक, मालिक मुझे बचाइए। मालिक कहाँ गए? मालिक हा? अरे बाप रे, मुझे बचाइए मालिक। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये सब मेरा बचपना था। बड़े राजू नाम का गुंडा मुझे मारने के लिए गांव में मुझे ढूंढ रहा है, उसके पास बंदूक भी है। सॉरी, मुझे पक्का मालूम है वो मुझे मार देगा। इसे माफी मत देना चाहो तो सबको माफ कर दो, इसी की वजह से मैं बेकार में वकील बनकर रह गया। शशि जी, दाढ़ी में आग लगी हो तो सिगरेट नहीं जलाते, उसके पास बंदूक है। क्या तुम जानते हो मेरे बाबा कौन है? इसमें भी कोई शक की बात है क्या? मथाई जी आपके बाबा नहीं है क्या? है ना? है ना? अरे क्या है? बोलिए ना इन्हें। ये तो हम डीएनए टेस्ट करवाएं क्या? बोलिए ना। नहीं नहीं,
देखो ये मथाई जानवर हो सकता है। सच में? मुझसे उलझने से पहले तुम्हें मेरे बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ये बात सच है, आपकी सच्चाई अफवाहों से बढ़कर है। आप राक्षस हैं। जीवनदाता तो जान देता है लेकिन आप उससे उसकी जान ले लेते हैं। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है मालिक, उसके पास बंदूक है। सबसे पहले श्रीधर मास्टर और उसकी पोती को वहाँ से बाहर करो। उन्होंने जो केस फाइल किए थे उन्हें वापस लेने को बोलो। हमारे बीच जो लीज एग्रीमेंट हुआ था ना, तुम उसे कैंसिल करो। वो एग्रीमेंट मैं साथ में लाया, आप जहाँ का मैं साइन कर देता हूँ। बाबरे, वो बड़ा राजू आ गया, उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार देगा। कौन हो तुम? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ईडी एनआईडी का। मूव। लेकिन हुआ क्या है? हाँ सर, कोई इलीगल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। चलिए थोड़ा बैठ कर बात करते हैं ना। हटिए हटिए, किनारे हटिए। मोबाइल दीजिए। हाँ आप भी दीजिए, लाइए मोबाइल दीजिए। सर हमारी बात तो सुनिए प्लीज। चलिए सर, एक्सक्यूज मी सर। देखिए ये सारा गोपन का ही गेम है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं ईडी से हूँ, तुम कौन हो? तुम राजू के आदमी नहीं हो? मैं कोई नहीं हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया। प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं बाहर रहा तो वो राजू मुझे मार डालेगा। क्या हुआ, कौन राजू? बड़ा राजू। हाँ तुम लोग मुझे उसके पास ले जाने आए हो ना, तुम्हारे पास बंदूक नहीं है उसे पता है। सर इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा कोई संबंध नहीं है? अरे नहीं है सर, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये देखिए 18.5 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट दिया है इन्होंने मुझे, 1 करोड़ रुपए कैश, ब्लैक में। ओह तो यहाँ ये भी डील हुई है। इसे यहाँ हमारे किसी पहचान वाले ने भेजा है। यहाँ पर बेनामी पैसे का एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। मथाई जी आप मुझे इस जमीन के बदले में पैसे देने वाले थे ना, वो पैसे यहीं कहीं होंगे। सर जी जाइए सारे लॉकर्स चेक करिए। लॉकर की चाबी? अरे लेकिन सर देखिए मैं इनका वकील हूँ और इनका काले धन के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये सारे जायज जेवरात हैं सर। ये जेवर मेरी बहू के खरीदे हुए हैं। नहीं सर ये सब हवाला है, हवाला। यहाँ बड़े बड़े बक्सों में रोज कलेक्शन होता है, आप देख लीजिए, जाइए। और इस वकील को सारे राज मालूम है। नहीं मुझे कहा? इसके पेट में मारेंगे तो ये सारा राज उगल देगा सर। नहीं प्लीज नहीं सर, रुकिए, पेट में नहीं सर प्लीज। ऊपर वाले की कसम खा रहा हूँ, यहाँ पर कोई बेनामी संपत्ति नहीं। अरे बापरे, चलिए सर हम भगवान से ही पूछते, आ जाइए। अरे क्या हो गया? हे प्रभु, दीनानाथ प्रभु, बताइए कि इन्होंने अपना सारा काला धन कहाँ रखा है? करोड़ रुपए हैं, बताइए कहाँ रखा है? हे ईश्वर आपको बताना ही होगा कि वो काला धन कहाँ है। गरीबों की रक्षा कीजिए और प्रभु बताइए कि काला धन कहाँ रखा है। देखिए सर जी यहाँ तो चमत्कार हो गया, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गई भैंस पानी में। हाँ आइए सर, आइए आइए सर, आप ये सारे बक्से खुलवा कर चेक कर सकते हैं, खेल खत्म। सब काला धन है, काला धन। वैसे ये सब क्या है मालिक, पुराने डाकुओं का अड्डा है? शशि जी आपने ही अड्डा बनाने का आइडिया दिया था ना। तुम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। धर्म कोई भी हो, आस्था आस्था होती है और आस्था को कभी पैसों की तिजोरी नहीं बनाते। वाह यहाँ तो अभूतपूर्व नजारा है, इतने सारे पैसे, इतना सारा कैश तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। आपने सब कुछ चेक कर लिया ना, अंदर कुछ बचा तो नहीं है? सर आपको यहाँ जो कुछ भी मिला है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मेरा घर है, मेरे अकेले का, और एड़ाथला फाइनेंशियर्स वो प्रोप्राइटरी कंसर्न है, मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे आप बिना डरे जाइए मालिक, पहली बार थोड़ी ना जेल जा रहे हो। मिस्टर बताई जी मैं भी चलूँ क्या? वो राजू है ना, उसके पास बंदूक है। इस एड़ाथला मथाई की शुरुआत जमीन से हुई थी, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पता है मुझे।
तुम्हें प्यादा बनाकर कोई तो खेल खेल रहा है मेरे साथ। तुम कोई मामूली आदमी तो नहीं हो। नहीं नहीं, मैं संगीतकार, हाँ गोपन जी हूँ। तो सुनो संगीतकार, मेरे कोर्ट के अंदर कदम रखने से पहले तुम्हारी कब्र खुद जाएगी, जान लो। हाँ मिस्टर मथाई जी, या तो आप मेरी कब्र खोदेंगे या वो राजू मुझे मार डाले। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं बहुत खतरनाक हूं। रैम्बो, कार स्टार्ट करो। ओके बॉस। क्या हुआ? उन्होंने हम पर हमला किया। हमें चलना चाहिए। मेरी पोती की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा कीमती है। इन्हें बालाटन के घर ले जाओ, जाइए। मास्टर जी आइए, आइए। गरीब हैं, इन्हें तकलीफ मत दो। मैं यहां झगड़ा या हाथापाई करने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं। आगे बढ़ो। मुझे तेरे सारे पैतरे मालूम है, समझा क्या?
राजा। क्या हुआ? मुझसे पंगा लेगा? हाँ, देख दोस्त, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं, ना ही कोई मॉन्स्टर हूं। मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं शैतान हूं। चल बता, बोल, ये गोपन कौन है और आखिर तूने उसे हमसे क्यों बुलवाया? जल्दी बोल, हमारी जमीन उसे लीज पर देने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? क्या दुश्मनी है उसकी हमसे? आखिर चाहता क्या है वो? जल्दी बोल, जल्दी बोल। चल बता। जब तक बोलेगा नहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं। बोल, बोल। बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मेरी मौत तो तय है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, मैं संगीतकार गोपन को तुम्हारे पास लेकर आया था। उसने मुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल किया तुम लोग तक पहुंचने के लिए। वो मौके का इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं तुम्हारे पिताजी और उनका वकील मिस्टर शशि से मिला था। उस मीटिंग के 3 घंटे बाद वो मेरे कमरे में आया। उसके बाद मैं उसके कंट्रोल में था। उसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जमीन लीज पर दी जाए। वो मुझे हुक्म दे रहा था। उसका रवैया और उसका चेहरा, उसकी आंखें बदले की आग में चल रही थी। उसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन असल में वो है कौन? मुझे जो पता है मैं सब बता रहा हूं। वो एक सिपाही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, कर्नल सूर्य चंद्र लाल। 2 महीने तक सीक्रेट मिशन पर रहने के बाद वो अपने पिताजी रिटायर सूबेदार राघवन और अपनी मां जानकी को मिलने गया था। एक सिपाही 3 साल पहले 27 मार्च के दिन उसे जो सब कुछ प्यारा था उसने वो सब खो दिया था। कोई बहाना नहीं चलेगा। 27 तारीख की मैंने टिकट करवा दी है, आपका सामान पहले ही पहुंचवा दिया है, और ये रही आप दोनों की ट्रेन की टिकट। डन। अपनी माँ से कहो बहाने बनाकर एन वक्त पर प्लान चौपट मत करे। ठीक है, ठीक है। अगर फ्लाइट से आएंगी तो उसी दिन पहुंच जाएंगी, इससे आपको 3 दिन लग जाएंगे। देखो बेटा, ऐसा मत बोलो, 3-4 घंटे का सफर कर लूंगी मैं, ट्रेन में अच्छा लगता है। वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आइए। हाँ, चलो।
हाँ यहाँ पर है। गुड इवनिंग। कहाँ से आ रहे हैं? कोलिंगोड से। हाँ। लेकिन अब यहीं एयरपोर्ट में सेटल हो गए। चेन्नई में कहाँ जा रहे हैं? अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, वो देहरादून में रहता है। He is colonel in army। ओहो, वैसे ये पूरा कुछ खाली क्यों है? एक वेडिंग पार्टी ने बुक किया था, उनकी शादी कैंसिल हो गई। आप अकेले ही हैं इस कोच में, आपने पहले टिकट बुक किया था इसीलिए आपको मिल गई। अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा मैं, चेन्नई में आपको दूसरे टीटी मिलेंगे, कुछ जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ 4 ही घंटे का तो सफर है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर किताबें पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। ओके ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है। वहां क्या चल रहा है? टेंशन मत लो, वो देख लेगा। Ah!
लोगों ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया। ना पुलिस और ना ही सीबीआई अब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन वो बेटा जिसने अपने माँ और बाप को खोया, उसने उन्हें ढूंढ निकाला। वो पिछले 4 सालों से यहाँ पर है। वो है धर्म योद्धा मुदाकोट्टा बटालियन। याद रखो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो एक एक को खत्म कर देगा। बॉडी के साथ क्या करना है ये हमें बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शंकर वासुदेव 20 सालों से ये अलग अलग शहरों में रह रहा है, जैसे कि कोलकाता, सूरत, पटना, राजमुद्री और ऐसे कई सारे शहर। अलग अलग पहचान बनाकर घूमता रहता है। उसका रोबरी, एक्सटोर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ में हवाला डील का भी बैकग्राउंड है। ये सारे के सारे लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। पब्लिक के साथ तेजी से मेलजोल बढ़ाना, उनका भरोसा, विश्वास हासिल करना, ये उनकी खासियत है। एक्सटोर्शन, रोबरी, ब्लैकमेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उन्हें इन सब में महारत हासिल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अराजकीय गुटों से इनकी साठगांठ है। इनके ग्रुप ने ऐसे कई सारे मिशन को अंजाम दिया है। उनका आखिरी मिशन सूरत में था। उसके बाद 1 साल तक वो लोग गायब थे, किसी को कुछ पता नहीं। पिछले बाढ़ के वक्त राहत कार्य के बहाने वो उन क्रिमिनल्स को लेकर आया जो उनके लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे आके सेटल हो गया। उनके दिमाग में क्लियर प्लान था। काका शिवा यानी अय्यप्पन, ये मदुरई से है। 14 मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है ये, और 7 किडनैपिंग केसेस है। शाहजी यानी रॉकी, सुरेश यानी रोनेक्स, ये दोनों तिरुवनंतपुरम के जुवेनाइल होम में एक साथ थे और 2008 से मिसिंग हैं। प्रेमचंद यानी कि किशोर, ये यूपी से है, वांटेड क्रिमिनल। इस पर 8 रोबरी केसेस हैं, 3 रेप केसेस और 8 मर्डर केसेस हैं। चेन्नई आरबीआई से 86 करोड़ का नोट नष्ट करने के लिए लेकर जाने वाले थे। यहाँ रहकर उन्होंने नोट चुराने का प्लान बनाया। उन्होंने रोबरी को अंजाम दिया तालेम और विरुद्धाचलम के दरमियान के फासले में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स है। उन्होंने नोटों को वैध बनाने के लिए एडाथला ग्रुप को पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा था। हमने तुम्हें जो कुछ नोट दिए थे वो अभी तक बदली करने बाकी है। हम अकाउंट सेटल कर लेंगे। कब और कैसे वो हम बताएंगे, तब तक सबके सामने हम लोग दुश्मन ही रहेंगे। बाहरी दुनिया के लिए वो दुश्मन थे, लेकिन एडाथला ग्रुप के साथ उनका एग्रीमेंट था। अब तक हमारा पीछा हो रहा था और सिर्फ पुलिस और सीबीआई तहकीकात कर रही थी, पर ये पहली बार है कि कोई इंसान हम लोगों से बदला लेने का सोच रहा है। उससे बचकर रहना होगा, बहुत खतरनाक आदमी है वो। और वैसे भी पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी की मदद नहीं लेना चाहता वो। वो हमें खत्म करने के लिए अकेला आया है, कर्नल सूर्यचंद्र लाल। हमारे बारे में उसको इतना भी अंदाजा नहीं है। हमने ट्रेन में जब उस दंपत्ति को खत्म किया था तब इतना सब होगा सोचा नहीं था। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, काम पर लगना होगा।
लेकिन यहां से जाने से पहले उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो हमारी असलियत जानता है। समझ गए ना? हमारा पीछा करने की कभी किसी की जरूरत नहीं होगी। इस ग्रेट इंडियन ट्रेन रोबरी का इन्वेस्टिगेशन एनआई ने अपने हाथों में ले लिया। हमारे पास इस ग्रुप के बारे में अच्छा सुराग था, लेकिन एक कमी थी कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं था। सो हमने डिसाइड किया कि एक अंडरकवर ऑपरेशन किया जाए। परसों जो एआर रहमान का शो होने जा रहा है, उसके स्टेज का प्लान है ये, और वहां एआर रहमान के साथ स्टेज पर नयातिन कारा गोपन भी आएगा, सॉरी कर्नल सूरी चंद्र लाल। फिर वो इस एग्जिट से बाहर आएगा। वो इस एग्जिट से बाहर आएगा, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें उसके बाउंसर्स को खत्म करना होगा। यूपी से अपना छोकरा लोग आएगा। ओके, बट नो एक्सप्लोसिव्स। ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, क्या एक्सप्लोसिव, हम चाक और वो छोकरे, उसके अकेले के लिए हम काफी है ना। एक बार वो स्टेज से निकलेगा तो हमारे पास सिर्फ चंद मिनट ही होंगे। ये काम हम आराम से कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गोपन आपके गांव का आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक बना देगा, और आज ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक बन गया है। हम सभी के बीच में ऑस्कर अवार्ड विजेता पद्म भूषण मेरे प्रिय मित्र एआर रहमान आप सभी को अपने गाने से मोहित करने के लिए आ रहे हैं। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? हाँ। सच में बुलाऊं? हाँ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, म्यूजिक के सम्राट एआर रहमान, प्लीज वेलकम। मैं यहाँ हूँ उसके दो कारण हैं। पहला, आई लव दिस प्लेस, मुझे हिंदी लोगों से प्यार है और हिंदी सिनेमा से भी, और दूसरा, गोपन इज माई डियरेस्ट फ्रेंड। देखा, फ्रेंड हूँ मैं इनका। अगर ये कुछ कहे तो मैं ना नहीं कर सकता। देखा देखा, ये है हमारी फ्रेंडशिप। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। वो आप वाला गाना गा सकते हैं, मुकाबला मुकाबला? वो गाना सुनना है? कहिए तो मैं आपके पैर छूलूं सर। वो गाना गाता हूं मैं। थैंक यू थैंक यू।
तुझे लगता है तू इस खेल में मुझसे आगे है, पर यह खेल मेरा है और तू इसमें फंस चुका है। मेरे दोस्त, मैं बहुत ही खतरनाक हूं। एनआईए ने शंकर वासुदेव और उसके ग्रुप को कस्टडी में ले लिया। अब वो कभी भी बाहर की जिंदगी नहीं देख पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मे आई? कम इन। सर। यस सर, मैंने जब उनसे पूछताछ की तो एडथला बेबी और बाबू ने बताया कि संगीतकार गोपन असल में लेफ्टिनेंट कर्नल है। देखो, फिलहाल तुम ऐसा कोई स्टेटमेंट मत लेना उनसे। एडथला ग्रुप का क्राइम अभी सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस ही रहने दो। लेट द ईडी टेक केयर ऑफ इट। सर, अभी के हालात ऐसे हैं कि रिटायर्ड सूबेदार राघवन और उनकी बीवी जानकी ट्रेन रॉबरी में मारे गए हैं। उनका एक बेटा है जो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्यचंद्र लाल है। लेकिन जिस कर्नल के बारे में अडाथला ग्रुप के लोग बता रहे हैं, ये वो गोपन नहीं है सर। मेरे पास उनकी फोटोज इस पेन ड्राइव में है। दैट्स राइट, यही कर्नल सूर्यचंद्र लाल है, और वो अभी बहुत बड़े सदमे में है। अभी वो आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो नया दिन का रहा गोपन? वो हमारा अंडरकवर एजेंट है और उसकी आइडेंटिटी गुप्त है। उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कमिश्नर, कल रात के कॉम्बिक ऑपरेशन में तुमने हमारा हार्ड कैश $1.5 million जब्त कर लिया है। कल रात जो तुमने एक्शन लिया, उसका ये दुर्गा रेड्डी का रिएक्शन है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में है। मेरे पैसे चुपचाप मुझे वापस कर दो। तुम्हारी बेटी को लेकर जाओ। जितनी देर करोगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूं। अगर तेरे बाप ने पैसे वापस कर दिए तो मैं तुझे जाने दूंगा। क्या बोलते हो, कैश वापस करेगा या नहीं, या फिर मैं मार दूं इसे? दुर्गा रेड्डी, मैं कमिश्नर का दोस्त बोल रहा हूं। उन्होंने ही मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। मैं कैश लेकर आता हूं। Oh,
हट जाओ। इसे अंदर लेके जाओ। चल चल चल। खोल के देखो। पहले उस लड़की को लेकर आओ। पहले कैश, बाद में लड़की आएगी। मैंने उनसे वादा किया है, उनकी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। बस एक बार उसे देखने दो मुझे। नामंजूर है। मैं विनती करता हूँ, प्लीज। ये दुर्गा रेड्डी विनती नहीं सुनता है, मुझे कैश चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर छू लूंगा। मेरे दोस्त, मैं बहुत खतरनाक हूं।